नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और फोन स्वेनम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 2018 अगस्त के महीना में पोको फोन जैसे कि अपना पहला फ़ोन लाया था पोको F1, और वो मार्केट में तहलका मचा दिया था क्योंकि ये एक फ्लैक्सिबल लेवल फ़ोन था और जो कि लोअर प्राइस में पोको फोन हमें प्रोवाइड किया था। लोअर प्राइस में एक फ्लैक्सी फ़ोन जो कि कोई भी कंपनी आज तक नहीं किया था, जो कि पोको ने कर दिखाया था 2018 अगस्त में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2019 में उसका सक्सेसर पोको फोन F2 आएगा, लेकिन पोको की तरफ से ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं आया जो कि पोको F1 का सक्सेसर बन के आए। लेकिन अभी पोको फोन का जो ग्लोबल हेड है वो हिंट करके बताए थे कि पोको फोन का सक्सेसर बन के आने वाला है 2020 में, और 2020 में ये फ़ोन कभी भी आ सकता है पोको फोन F1 का सक्सेसर बन के। अभी पोको की तरफ से एक और फ़ोन लिस्टिंग हो चुका है Geekbench पर। ये क्या फ़ोन है और इसमें कौन सा प्रोसेसर और इसमें क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पोको की तरफ से एक फ़ोन लिस्टिंग हुआ है Geekbench पर जो कि पोको फोन X2 के नाम से है। ये फ़ोन Redmi K30 का रीब्रांडेड वर्जन बन के आने वाला है, जो कि जैसा कि Redmi K30 में स्नैपड्रैगन 730G था, इसमें भी 730G होने वाला है प्रोसेसर। Geekbench में जो लिस्टिंग हुआ है इससे पता चलता है। Geekbench में ये दिखाया गया कि इसमें 1.8GHz का प्रोसेसर है और इसमें Android 10 का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा इस पोको फोन X2 में। लिस्टिंग में ये दिखाया गया कि इसमें 8GB रैम का एक वेरियंट होने वाला है। इसमें जो कोर का जो स्कोर है, सिंगल कोर का स्कोर है 547 और मल्टी कोर का स्कोर है 1767 है इसका स्कोर, जो कि सिंगल और मल्टीकोर का स्कोर लिस्टिंग में शो किया गया है। Xiaomi ने अभी तक पोको फोन के X2 के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। ये सर्व जो लिस्टिंग हुआ है Geekbench पर, इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। Geekbench पर जो लिस्टिंग में शो किया गया है इससे पता चलता है कि ये फ़ोन Redmi K30 का रिब्रांडेड वर्जन बन के आने वाला है। ये बोथ 4G और 5G वेरियंट होने वाला है इस फोन का। पोको X2 इंडिया और ग्लोबल में लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द। अब इसका कॉन्फर्मेशन पोको की तरफ से कब आएगा ये तो पता नहीं, जब भी आएगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।